नमस्कार मित्रों, वेदो नारायण साक्षात मंत्र द्रष्टा ऋषि महर्षि विश्वामन पुरुषार्थ सच्चे लगन उद्यम और तप की गरिमा के रूप में महर्षि विश्वामित्र के समान शायद ही कोई हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपनी तपस्या के बल से क्षत्रित्व से ब्रह्मणत्व को प्राप्त किया। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, देवताओं और ऋषियों के लिए पूज्य बने और उन्हें सप्त ऋषियों में अन्यतम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही सबके लिए वे वंदनीय भी बन गए। इनकी अपार महिमा है। इन्हें अपनी समाधि या प्रज्ञा से अनेक मंत्र स्वरूपों का दर्शन हुआ, इसलिए मंत्र द्रष्टा ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल में तृतीय मंडल में जिसमें 62 सूक्त हैं, इन सभी सूक्तों मंत्रों का समूह के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं, इसलिए तृतीय मंडल वैश्वामित्र मंडल कहलाता है। इस मंडल में इंद्र, अदिति, अग्निपूजा, उषा, अश्विनी तथा ऋभु आदि देवताओं की स्तुतियां हैं और अनेक ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान आज की बातें विस्तृत हैं। अनेक मंत्रों में गो की महिमा का वर्णन है। तृतीय मंडल के साथ ही प्रथम नवम तथा दशम मंडल के कतिपय ऋचाओं के दृष्टा विश्वामित्र के मधुच्छंदा आदि अनेक पुत्र हुए हैं। विश्वामित्र मंडल का वैशिष्ट्य, वैसे तो वेद की महिमा अनंत है ही, किंतु महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा दृष्टि यह तृतीय मंडल विशेष महत्व का है, क्योंकि इसी तृतीय मंडल में ब्रह्म गायत्री जो मूल मंत्र है वह उपलब्ध होता है। इस ब्रह्म गायत्री मंत्र के मुख्य दृष्टा तथा उपदेष्टा आचार्य महर्षि विश्वामित्र ही हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से विख्यात है, जो इस प्रकार है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि महर्षि विश्वामित्र न होते तो यह मंत्र हमें उपलब्ध न होता। उन्हीं की कृपा से, साधना से यह गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। यह मंत्र सभी वेद मंत्रों का मूल है, बीज है, इसी से सभी मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। यह मंत्र सनातन परंपरा के जीवन में किस तरह अनुसंयुक्त है तथा इसकी कितनी महिमा है, यह तो शोभा स्वानाभू स्वानुभव सिद्ध है। उपनयन संस्कार में गुरुमुख द्वारा इसी मंत्र के उपदेश से द्विजत्व प्राप्त होता है और नित्य संध्या कर्म में मुख्य रूप से प्राणायाम, सूर्य उपासना आदि द्वारा गायत्री मंत्र के जप की सिद्धि में ही सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र की ही देन है और वे इसके आदि आचार्य हैं। अतः गायत्री उपासना में इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इन्होंने गायत्री साधना तथा दीर्घकालीन संध्या उपासना की तप शक्ति से काम क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त की और ये तपस्या के आदर्श बन गए। महर्षि न केवल वैदिक मंत्रों के माध्यम से ही गायत्री उपासना पर बल दिया, अपितु उन्होंने अन्य जिन ग्रंथों का प्रणयन किया उनमें भी मुख्य रूप से गायत्री साधना का ही उपदेश प्राप्त होता है। विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता तथा विश्वामित्र स्मृति आज उनके मुख्य ग्रंथ हैं। इनमें भी सर्वत्र गायत्री देवी की आराधना का वर्णन दिया गया है और यह निर्देश है कि अपने अधिकारानुसार गायत्री मंत्र के जप से सभी सिद्धियां तो प्राप्त हो ही जाती हैं, इसलिए केवल इस मंत्र के जप कर लेने से सभी मंत्रों का जप सिद्ध हो जाता है। महामुनि विश्वामित्र तपस्या के धनी है। इन्हें गायत्री माता सिद्ध थी और इनकी पूर्ण कृपा इन्हें प्राप्त थी। इन्होंने
नवीन सृष्टि तथा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग आदि भेजने और ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने संबंधित जो भी असंभव कार्य किए उन सब के पीछे गायत्री जप एवं संध्या उपासना का ही प्रभाव था। भगवती गायत्री कैसी हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी आराधना कैसी करनी चाहिए, यह सर्वप्रथम आचार्य विश्वामित्र जी ने ही हमें बताया। उन्होंने भगवती गायत्री को सर्वस्वरूपा बताया और कहा कि यह चराचर जगत स्थूल सूक्ष्म भेद से भगवती का ही विग्रह है, तथापि उपासना और ध्यान की दृष्टि से उनका मूल स्वरूप कैसा है, इस विषय में उनके द्वारा रचित निम्न श्लोक द्रष्टव्य है, जो आज भी गायत्री के उपासकों तथा नित्य संध्या वंदन करने वालों के द्वारा ध्येय होता रहता है। गायत्री माता का ध्यान। मुक्ता पितृ महे मणि लधवलाच छायारमुखायत्री क्षणे त्रयुक्ता बिंदो निबद्ध रत्न मुकुटान तत्वार्थ वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयां कुशकंसा शुभ्र कपालं गुणं शंखं चक्र मथारविंद युगलं हस्त्रैर वहंती भजे। देवी भागवत अर्थात जो मोती मुगा सुवर्ण निर्मली नील मणि तथा उज्ज्वल प्रभा के समान वर्ण वाले पांच मुखों से सुशोभित हैं, तीन नेत्रों से जिनके मुख की अनुपम शोभा होती है, जिनके रत्न में मुकुट में चंद्रमा जड़े हुए हैं, जो 24 वर्णों से युक्त हैं, तथा जो वरदायिनी गायत्री अपने हाथ में अभय और बरमुद्राएं अंकुशपाश शुभ्र कपाल रस्सी शंख चक्र और दो कमल धारण किए हुए हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का इस जगत पर महान उपकार ही है। महिमा के विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि साक्षात भगवान जी ने अपना गुरु मानकर उनकी सेवा करते हैं। महर्षि ने सभी शास्त्रों तथा धनुर्विद्या के आचार्य श्री राम को बला अतिबला आदि विद्याएं प्रदान की, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया और भगवान श्री राम के चिन्मय लीलाओं के वे मूल प्रेरक रहे तथा लीला सहचर भी बने। क्षमा की मूर्ति वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का जो विवाह हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, वह भी लोक शिक्षा का ही एक रूप है। इस आख्यान से गो महिमा, त्याग, आदर्श, क्षमा, शक्ति, तपस्या की शक्ति, उद्यम की महिमा, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न की दृढ़ता, दृढ़ता कर्मयोग, सच्चे लगन और निष्ठा एवं दृढ़ता पूर्वक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इस आख्यान से लोगों को और लोक में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि काम क्रोध आदि साधना के माध्यम से बाधक है। जब तक व्यक्ति इनके मोहपास में रहता है उसका अभ्युदय संभव नहीं है, किंतु जब वह इन आसुरी संपदाओं का परित्याग कर दैवी संपदा का आश्रय लेता है तो वह सर्वपूज्य सर्वमान्य तथा भगवान का प्रिय पात्र हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ से जब ये परास्त हो गए तब उन्होंने तपोबल का आश्रय लिया, काम क्रोध के वशीभूत होने का उन्हें अनुभव हुआ, अंत में सर्वस्व त्याग कर वे अनासक्त पथिक पथ के पथिक बने और जगत बंद हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने उन्हें बड़े आदर से आदर के साथ ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ ने उनकी महिमा का स्थापन किया और उन्हें हृदय से लगा लिया। दो महान संतों का अद्भुत मिलन हुआ। देवताओं ने उस वृष्टि की, सत्य धर्म के आदर्श राजर्षि हरिश्चंद्र का नाम कौन नहीं जानता, किंतु महर्षि विश्वामित्र की दारुण परीक्षा से ही हरिश्चंद्र की सत्यता में निखार आया। उस वृत्तांत में महर्षि अत्यंत निष्ठुर से प्रतीत होते हैं, किंतु महर्षि ने हरिश्चंद्र को सत्य धर्म की रक्षा का आदर्श बनाने तथा उनकी कीर्ति को सर्वश्रुत एवं अखंड बनाने के लिए ही उनकी इतनी कठोर परीक्षा ली। अंतिम उन्होंने उनका राजेश्वर्य उनको लौटा दिया, रोहितास को जीवित कर दिया और महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा रूपी कृपा प्रसाद से ही हरिश्चंद्र राजा से राजर्षि हो गए, सबके लिए आदर्श बन गए। ऐत्रेय ब्राह्मण आज में भी हरिश्चंद्र के आख्यान तथा सुनह सेठ के आख्यान में महर्षि विश्वामित्र की महिमा का वर्णन आया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में 30वें व 33वें तथा
53वें सूक्त में महर्षि विश्वामित्र का परिचयात्मक विवरण आया है। वहां से ज्ञान होता है कि ये कुशिक गोत्रोत्पन्न कौशिक थे। 3:26-23 एक कौशिक लोग महान ज्ञानी थे, सारे संसार का रहस्य जानते थे। 3:29-15-53 वे सूक्त के 9वें मंत्र से ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र अतिशय सामर्थ्यशाली, अतीन्द्रियार्थ दृष्टा, दैदीप्यमान तेजो के जनिता और अध्वर्युवाद में उपदेष्टा हैं तथा राजा सुदास के यज्ञ के आचार्य रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के आविर्भाव का विस्तृत आख्यान पुराणों तथा महाभारत आदि में आया है। तदनुसार कुशिक वंश में उत्पन्न राजवंशी महाराजा गाधी की सत्यवती नामक एक श्रेष्ठ कन्या हुई, जिसका विवाह मुनिश्रेष्ठ भृगुपुत्र ऋचिक सा के साथ संपन्न हुआ था। ऋचिक ने पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर अपने तथा महाराज गाधी को पुत्र संपन्न होने के लिए यज्ञ चरु को अभिमंत्रित कर सत्यवती को प्रदान करते हुए कहा, देवी, यह दिव्य चरु दो भागों में विभक्त है, इसके भक्षण से यथेष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। इसका एक भाग तुम ग्रहण करना और दूसरा भाग अपनी माता को दे देना, इससे तुम्हें एक श्रेष्ठ महातपस्वी पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी माता को क्षत्रिय शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र होगा। सत्यवती यह दोनों चरु भाग प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न हुई। अपनी श्रेष्ठ पत्नी सत्यवती को ऐसा निर्देश देकर महर्षि ऋचिक तपस्या के लिए अरण्य में चले गए। इसी समय महाराज गाधी भी तीर्थ दर्शन के प्रसंग वश अपनी कन्या सत्यवती का समाचार जानने आश्रम में आए। इधर सत्यवती ने पति द्वारा प्राप्त चरु के दोनों भाग माता को दे दिए और दैवयोग से माता द्वारा चरु भक्षण में विपर्य हो गया। जो भाग सत्यवती को प्राप्त होना था उसे माता ने ग्रहण कर लिया और जो भाग माता के लिए उद्दिष्ट था उसे सत्यवती ने ग्रहण कर लिया। ऋचि निर्मित चरु का प्रभाव अक्षुण्य था, अमोघ था। चरु के प्रभाव से गाधी पत्नी तथा देवी सत्यवती दोनों में गर्भ के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। इधर ऋचिक मुनि ने योग बल से जान लिया कि चरु भक्षण में विपर्य हो गया है। यह जानकर सत्यवती निराश होगी, परंतु मुनि ने उसे आश्वस्त किया, यथासमय सत्यवती की परंपरा में पुत्र रूप में जमदग्नि पैदा हुए और उन्हीं के पुत्र परशुराम हुए। दूसरी ओर गाधी पत्नी ने चरु के प्रभाव से दिव्य ब्रह्म शक्ति संपन्न महर्षि विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया। संक्षेप में यह महर्षि विश्वामित्र के आविर्भाव की कथा है। आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र ने अनेक पुत्र पौत्र हुए, जिनसे कुशिक वंशज विख्यात हुआ। एक गोत्रकार ऋषियों में परिणित है, आज भी सप्त ऋषियों में स्थित होकर महर्षि विश्वामित्र जगत के कल्याण में निरत। आशा करता हूँ हमारे यहाँ प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आगे ऋषि महर्षियों से संबंधित ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान से संबंधित और वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।